है एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू अदर ब्लॉग। फ्रेंड, आज मेरे साथ एक ऐसा इत्तेफाक हुआ, चाहे आप इत्तेफाक बोलिए चाहे भगवान का करिश्मा बोलिए, बट हम तो यही मानते हैं कि वो भगवान का करिश्मा ही है और भगवान मेरे साथ हमेशा है। अभी पहले भी थे और अभी भी है, और ये चीज़ मेरे साथ पहला बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। और मेरी हर एक दुख में भगवान को हम जब जब याद किए ना फ्रेंड, कसम से बता रहे वो मेरी हर एक प्रॉब्लम में मेरे साथ रहे। तो फ्रेंड, आज जो मेरे साथ हुआ वही हम सोचे मेरे ब्लॉग के माध्यम से हम आप लोगों को बताएं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, तो भगवान का सपोर्ट मेरे साथ कितना है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, सुबह 7 से दोपहर के 3 बजे तक, 3 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद हम घर आ जाते हैं। तो फ्रेंड, हुआ ऐसा, कंपनी में एक लड़के ने मुझे बोला, भैया मोबाइल में रिचार्ज कर दीजिए, जो आपका पैसा होगा हम आपको दे देंगे। तो हम उसका, मैं 219 रुपये का रिचार्ज किया फ्रेंड, ठीक है, हम रिचार्ज कर दिए। तो वो मेरे को 200 रुपया दिया, बोला भैया 19 रुपये हम आपको बाद में दे देंगे। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, हम अपना ऊपर वाला पॉकेट में पैसा रख लिए, घर आने की तैयारी कर रहे थे, कहीं कंपनी में ही मेरा पैसा गिर गया फिर। तो फ्रेंड, हम जब बस में चढ़े तो देखे मेरा पैसा नहीं है, हम बैग में भी देखे, अपना आगे पीछे पॉकेट सब में देखे, तो मुझे नहीं मिला। तो फ्रेंड, मेरे को बहुत ही अंदर से ज़्यादा सैड फील हो रहा था। हम बोले इतना मेहनत से कमाते हैं और पैसा मेरा 200 रुपया वेस्ट चल गया, किसी की हेल्प किए और मेरा ही नुकसान हो गया। तो फ्रेंड, इसलिए हम पूरा एकदम दुखी होकर बस में आ रहे थे। बस स्टॉप पे जैसे ही उतरे अपने घर जाने के लिए, तो रास्ता में ऐसे ही से हम दुखी होते होते और सोचते सोचते आ रहे थे, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, हम इतना मेहनत से कमाते हैं और उसके बाद ऐसा हुआ। फ्रेंड, 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं फिर तब जाके कुछ पैसा आता है, अगर उसमें से भी आपका पैसा चल जाए तो तकलीफ तो होता ही है ना। तो फ्रेंड, वही से हम करते करते हम आ रहे थे, तो रास्ता में आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, मुझे 200 का नोट मिल गया। फिर हम भगवान को बोले, भगवान सच में यार, आप भगवान आप मेरे साथ हमेशा हो, ये चीज़ हम मान गए, क्योंकि हमेशा आप मेरी हेल्प भी करते हो और आज तो ये प्रूफ भी हो गया कि आप मेरे साथ हम हो और मेरे हर दुख मुसीबत में आप मेरे साथ हो, कोई हो या ना हो लेकिन आप तो मेरे साथ हो। यही सेम चीज़ मेरे साथ एक बार और हुई थी, तभी मेरा 500 का नोट गिर गया था, हम ATM पैसा निकालने के लिए गए थे और ATM से के पास ही मेरा पैसा गिर गया था। और हम जब नाश्ता उस्ता करने गए, तो नाश्ता करके जब हम पैसा देने वाले थे, तो मेरा देखिए पॉकेट में पैसा नहीं, हम खोजे, तो हम बोले अंकल थोड़ा देरी आप रुको, हम आपको पैसा ला के देते। फिर हम ATM में गए, हम तो सोचे थे नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना भीड़ रहता है, इतना पब्लिक वाला एरिया रहता है ATM में, आप लोगों को पता भी है। तो फिर हम जब गए तो देखिए भगवान का करिश्मा कि वो नोट मुझे वहीं पर गिरा हुआ मिला। तो ऐसा फ्रेंड, मेहनत से बहुत कमाते हैं तब जाके मेहनत का पैसा बोलते हैं ना, कहीं नहीं जाता है। और अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। और भगवान, हम तो भगवान से ही मनाते भी, हम कभी किसी का बुरा ना करें, हम सबका हेल्प करें, सबका मदद करें। हम अगर सबका मदद करेंगे, किसी का बुरा ना करेंगे, तो भगवान मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेगा और हमेशा मेरा अच्छा करेगा। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यही था, हम आप लोगों को बताना चाहते थे। फ्रेंड, जहाँ आपको विश्वास ना हो कि वहाँ आपको पैसा मिलेगा, अगर वहाँ पैसा आपको मिल गया और वो भी जितना आपका भुलाया था उतने ही आपको मिला, तो आप इसको क्या समझिएगा, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सो फ्रेंड, आपको भगवान पे अटूट विश्वास होगा कि नहीं, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए हम आप लोगों को वो 200 का नोट दिखाते हैं जो आज मेरे को मिला था। फ्रेंड देखिए, ये है मेरा 200 का नोट, मेरा जो 200 रुपये बुलाया था वो 100 का दो नोट था, मुझे जो ये मिला ये 200 का नोट है, देख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे ये मेरा ये ब्लॉग देख के। तो फ्रेंड, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।